अच्छा जी, आज हम अपने किचन में स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं और उनको बनाने के लिए सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने जो हरी प्याज होती है, ये अगर आपको मैं दिखा देती हूँ, हरी प्याज बाजार से मिल जाती है, ठीक है, आपने वो ऐड कर देनी है और उसे आपने थोड़ा सा सॉटे कर लेना है, मतलब पकाना नहीं है, हल्का सा आपने उसको फ्राई कर लेना है। स्प्रिंग रोल में दूसरा प्याज भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे बनाते हैं ना, इस प्याज में, हरी प्याज में, उसका टेस्ट बहुत मजेदार आता है, क्योंकि हरी प्याज का टेस्ट दूसरे प्याज से बहुत डिफरेंट होता है। बहुत मजे की जो है ना, कि रोल जैसे बाजार हम देख लीजिए, अक्सर हरी चेहरा बाजार वगैरह में ऐसा टेस्ट आता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसके अंदर ये ग्रीन जो प्याज होती है, ठीक है, लपी प्याज भी आप उसे कहते हैं, पंजाबी होते हैं वाली प्याज भी कहते हैं, आप वो ऐड करें। हाँ जी, 5 से 6 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास ये वेजीज है, जिसके अंदर मेरे पास ये कैप्सिकम है, ठीक है, शिमला मिर्च, और इसके बाद मेरे पास कैबेज है, बंद गोभी, मैं ये दोनों ऐड कर रही हूँ। क्योंकि स्प्रिंग रोल के अंदर बेसिक जो काम है, एक तो हमारी ये जो प्याज है, ठीक है, इसका होता है, जो लंबी प्याज हमारी होती है ग्रीन कलर की हरी प्याज, और दूसरा इसके अंदर काम होता है आपका ये बंद गोभी का, ठीक है। जो बंद गोभी है, इसके साथ जो टेस्ट आता है स्प्रिंग रोल का, वो बेहतरीन है। कोई भी ऐसा स्प्रिंग रोल नहीं हो सकता जिसके अंदर आपने बंद गोभी ना ऐड की हो। अब हम इसे थोड़ा सा इसके साथ सॉटे करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अपना ऐड कर रही हूँ नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और साथ में स्प्रिंग रोल्स में जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो हम सुर्ख मिर्च नहीं डालते हैं, हम इसके अंदर डालते हैं काली मिर्चें, यानी कि रेड पेपर। इम्पोर्टेंट जो इसका इंग्रेडिएंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है जी सफेद मिर्च। आपको अगर आपने अंदाजा लगाया हो कि जब हम खाते हैं स्प्रिंग रोल बाजार से, उसके अंदर एक बड़ी चटकारी सी, स्पाइसी सी एक मिर्च का टेस्ट आता है, जिसको ये व्हाइट पेपर कहते हैं, ठीक है। ये व्हाइट पेपर सफेद मिर्च है, ये आप बाजार से खुली भी मिल जाती है, आज मुझे ये स्टोर बॉट बॉटल में मिल गई। ये अगर आप यूज करें, बिल्कुल आपका बाजारी टेस्ट आएगा। व्हाइट पेपर मोस्टली अक्सर इन्होंने डाले होते हैं स्प्रिंग रोल में, या कोई ऐसे पैटीज होते हैं, वो इस मिर्च की वजह से टेस्ट आता है। इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। जो व्हाइट पेपर है, बेसिकली ये एक थोड़ा सा ना, जैसे स्प्रिंग रोल के अंदर एक टेस्ट सा आ रहा होता है, वो इसके अंदर पैदा करती है। हाँ जी, अब हमें सब्जियां भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये मैंने चिकन कुछ लिया था, ठीक है, इसको मैंने श्रेड कर लिया हुआ है बारीक बारीक, तो अब मैं वो सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चार से पांच मिनट मजीद फूड बोल लेंगे, उसके बाद यू आर गुड टू गो। अब हम जो है ना, मैंने जो मसाला अपना उसको साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। अब हम लोग अपनी जो एक पेस्ट बना रहे हैं, जिससे अपने रोल्स हम, ठीक है, उनको लॉक करेंगे, उसके लिए मैदा चाहिए हमें 2 से 3 बड़े चम्मच, ठीक हो गया। और उसके अंदर अब हमने पानी ऐड करना है। आपने याद रखना है कि ये जो एक पेस्ट बन रही है, जो आप ग्लू सी बना रहे हैं अपने रोल्स को जोड़ने के लिए, ना तो ये बिल्कुल रनी हो, पानी बिल्कुल बहता हुआ ना हो, और ना ये बहुत ज्यादा स्टिक हो। ये इतनी होनी चाहिए कि जैसे पतली सी कस्टर्ड के साथ आप पेस्ट कस्टर्ड वाली बनाते हैं, ठीक है, जिससे चीजें स्टिक हो सके, जैसे नॉर्मल हमें ग्लू मिलती है, इसको इतना होना चाहिए। हाँ जी, ये इस तरह की पेस्ट हमारी तैयार हो गई है, ठीक हो गया, जिससे हम अपने रोल्स को लॉक करेंगे। हाँ जी, ये आप जो स्प्रिंग रोल के लिए मैंने बाजार से पट्टी मंगवाई थी, ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी बनाने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं रेडीमेड यूज करती हूँ। इसमें से निकल आएंगे तकरीबन हमारे 20 तक रोल। हाँ जी, यहाँ एक साइड पे आप अपना जो सारा मसाला बनाया हुआ है, ठीक है, जो मिक्सचर है, उसको हम ऐड कर देंगे। दरमियान में नहीं इसको ऐड करेंगे हम, क्यों, क्योंकि जब हम रोल को बंद करेंगे, तो फिर वो जो मसाला है सारा, वो थोड़ा सा एक साइड पे चला जाता है। और अब आप किस
किसी ब्रश की मदद से या किसी स्पून की मदद से, हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। हाथ से वैसे इजी होता है, थोड़ा सा नीट लग जाता है। आप ये सारे किनारे फिल करेंगे, चारों किनारों को आपने नहीं फिल करना, ओके? आपने सिर्फ तीन किनारों को बंद करना है। तो सबसे जो है ना, ये थोड़ा सा मेस वाला काम होता है, इसको बंद करना, लॉक करना। चले जी, अब हम ऐसे उठा के अपने स्प्रिंग रोल को हल्के से हाथ से प्रेस कर देंगे कि वो सारा आपस में जुड़ जाए। हाँ जी, चूंकि मेरी पट्टी काफी चौड़ी थी तो मैंने फिर इसका एक और सोल्यूशन भी ये निकाला कि मैं इसको दिस वे बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा वो रोल कम चौड़ा लगे। फिलिंग पहले सारी एडजस्ट कर ली है मैंने। से उठा के हम रखेंगे इसे इसके ऊपर और हल्के हाथों से जहाँ कॉर्नर्स पे हमने लगाई थी वो ग्लू जो मैदे की हमने पेस्ट बनाई उसे हमने से लॉक करना है। उसके बाद हम इसे उठा के करेंगे ऐसे, फिर इन कॉर्नर्स पे हल्का हल्का आपने प्रेस करना है, ठीक है? फिर रोल को आप सीधा करके हल्का हल्के हाथ से प्रेस कर लें कि ताकि जो कॉर्नर्स हैं आपस में जुड़ जाएं, लॉक हो जाएं, और जब आप फ्राई करें तो जो आपका अमेजा है, मिक्सचर है, वो बाहर ना निकले। अब पट्टी बहुत चौड़ी थी तो मैंने उसको इस वे छोटा कर लिया, ठीक हो गया। इस तरह से मैंने रोल बना के तैयार कर ली है, ठीक है? बाकी भी मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर हम चलेंगे अपने फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। हाँ जी, हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अपने रोल ऐड कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। डिफरेंट शेप्स के रोल बनाए हैं आज हमने, कुछ इवन हमने ऐसी शेप के भी बनाए हैं। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ लगी हुई थी तो उसने अपनी ही शेप्स इजाद की है। आपकी मर्जी में, आपकी लाइफ है, जैसे मर्जी आप अपने रोल को डिजाइन करें। यू आर योर ओन बॉस। अब जब हम इसे तब 2 मिनट या 3 मिनट के बाद इसे चीज साइड चेंज करेंगे, जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्पी सी लुक आएगी। हाँ जी, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा इसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है? साइड चेंज करें, ये ब्राउनिश का कलर आ गया है।